नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला दांबुला के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में रोमांचक जीत टीम इंडिया ने हासिल कर ली। एक समय टीम इंडिया मैच से पूरी तरीके से बाहर हो गई थी, लेकिन दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार की शानदार पार्टनरशिप ने मैच को न सिर्फ भारत के पाले में डाला, बल्कि टीम इंडिया ने सीरीज भी अपने नाम कर ली। आपको बता दें, इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 275 रनों का टारगेट रखा था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही थी। पृथ्वी शॉ केवल 13 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद टीम इंडिया के विकेट लगातार अंतराल पर गिर रहे थे। शिखर धवन 29 रन बनाकर आउट हुए, वहीं ईशान किशन सिर्फ 1 रन बना सके थे। मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया की पारी को संभालने का काम किया था, लेकिन मनीष पांडे के आउट हो जाने के बाद सूर्य कुमार यादव पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन जल्द ही सूर्य कुमार यादव भी अर्धशतक जड़कर वापस पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया ने 193 के स्कोर पर 7 विकेट गवा दिए थे। कृणाल पांड्या के रूप में टीम इंडिया को 7वां झटका लग गया था। पांड्या 54 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हुए थे। साफ नजर आ रहा था कि यहां से टीम इंडिया को एक शर्मनाक हार मिलने वाली है, लेकिन किसे पता था कि तेज गेंदबाज दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी न सिर्फ एक शानदार पार्टनरशिप बनाएगी, बल्कि टीम इंडिया को मैच भी जितवा देगी। दोनों ने 8वें विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी कर टीम इंडिया को जीत दिला दी। दीपक चहर 82 गेंदों पर 69 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने भी 28 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली और दीपक चहर का बखूबी साथ निभाया। टीम इंडिया ने 49.1 ओवर में 277 रन बनाकर 3 विकेटों से मैच जीत लिया। ये एक हैरान कर देने वाली जीत थी, क्योंकि टीम इंडिया मैच में पूरी तरीके से बाहर हो चुकी थी। आपको बता दें, टीम इंडिया की श्रीलंका के खिलाफ ये 93 जीत थी, इसके साथ ही लगातार 10वीं ODI सीरीज जीत भी। आपको बता दें, 2009 के बाद से ही श्रीलंका की टीम कभी भी टीम इंडिया के खिलाफ दांबुला में जीत हासिल नहीं कर पाई है और वो रिकॉर्ड बरकरार रहा। आपको बता दें, 3 मैचों की वनडे सीरीज पर अब टीम इंडिया ने अजय बढ़त हासिल कर ली है। अब तीसरे ODI मुकाबले में टीम इंडिया कुछ बदलाव के साथ उतर सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।